लॉकडाउन 4 खत्म होने वाला है, 31 मई के बाद क्या होगा, अब सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं। आज या कल में मोदी सरकार लॉकडाउन पर अपना फैसला सुना देगी। इसके लिए राज्यों से राय ली जा चुकी है। सारे संकेत यही बता रहे हैं कि 1 जून से राहतों का दायरा बढ़ जाएगा। लॉकडाउन को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 2 घंटे तक बैठक की। सूत्रों की माने तो बैठक में अमित शाह ने प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्रियों की राय बताई। गुरुवार को गृह मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की थी। हर राज्य में कोरोना का ग्राफ अलग है, इसलिए लॉकडाउन को लेकर सबकी राय भी अलग है। ज्यादातर राज्य 1 जून से छूट को और बढ़ाने के पक्ष में हैं। कई राज्यों ने बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 जून से धार्मिक स्थल खोलने का ऐलान कर दिया है। ऐसा ही ऐलान कर्नाटक सरकार भी कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में 8 जून से सभी दफ्तरों में 100% कर्मचारियों की उपस्थिति की भी इजाजत होगी। राजस्थान सरकार ने 1 जून से सभी स्मारकों, पर्यटन स्थलों, संग्रहालयों को खोलने का फैसला किया है। नाइट कर्फ्यू 31 मई के बाद भी जारी रखने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश 3 जिलों में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा चुका है। गोवा सरकार 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाना चाहती है, साथ ही 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट को खोलने के पक्ष में है। पंजाब सरकार लॉकडाउन पर आगे की रणनीति को लेकर आज फैसला लेगी। झारखंड सरकार कुछ और रियायतों के साथ लॉकडाउन 5 के पक्ष में है। क्या स्थिति होगी अब 31 के बाद, क्या हम 5वे लॉकडाउन पर जा रहे हैं? देखिए, 3 भागों में बांटा है पूरे शहर को। एक 29 गांवों का है, एक अंदर का मध्य क्षेत्र है और बीच का एरिया है अपना, जिसको सिटी एरिया बोलते हैं। तो तीनों भागों में 29 गांवों को थोड़ा काफ़ी हद तक लिबर्टी दी जाएगी उनको, और कुछ सिटी एरिया में भी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ को लिबर्टी दी जाएगी खुलने की। मेजॉरिटी तो नहीं है उतनी एकदम से कर पाएंगे, और मध्य क्षेत्र को थोड़ा अभी बांध के रखना होगा, क्योंकि मध्य क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट है शहर के स्वास्थ्य। सबसे ज़्यादा कंटेनमेंट एरियाज मध्य क्षेत्र में है, और अभी जो हम लोगों ने लगभग 20-25-30% एक्टिविटीज़ चालू की हैं शहर में, और उसका भी ऑब्जर्वेशन कुछ डॉक्टर्स कर रहे हैं, उसका विधिवत एक आदेश भी जारी कर रहे हैं हम लोग आज, कि किस प्रकार से उसका असर पड़ रहा है पेशेंट्स की संख्या बढ़ने में, हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी में। उसको साथ साथ बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा, और 2-1 दिन में अभी कुछ आदेश करेंगे। उसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ खोल चुके हैं, वैसे धीरे धीरे ही पिकअप की जाएगी। कर्फ्यू 31 के बाद भी लागू रहेगा। लॉकडाउन अगर बोला जाए, जिन गतिविधियों को हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं उन पर लॉकडाउन लागू नहीं रहता है, बाकी पे लॉकडाउन लागू रहता है। तो ये शहर इसी प्रकार से खुलेगा, धीरे धीरे हम लोग खोलेंगे, ताकि इससे कोई कोरोना भी विपरीत प्रभाव न पड़े। बहुत कुछ इस पर भी डिपेंड करेगा कि लोगों में जागरूकता कितनी है। देश में कोरोना के मामले 1.5 लाख से ज़्यादा पहुँच चुके हैं। हर दिन कोरोना के 6,000 से ज़्यादा केस जुड़ रहे हैं। ऐसे में 31 मई के बाद पाबंदियों को हटाना और देश को रफ्तार देने का फैसला आसान नहीं होगा। जान और जहान दोनों को बचाने की चुनौती है।